पहले हमें आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि लाइब्रेरी को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर को कैसे अपडेट करते हैं या डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे आर्डिनो, आर्डिनो आईडी है ना डाउनलोड। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे सीधे आर्डिनो के सॉफ्टवेयर पे। आपको क्या क्या देखना है, आपको ये देखना है ये ऑफिशियल है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है www.arduino.cc मेन सॉफ्टवेयर पे। मैं सीधे सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूँगा क्योंकि आर्डिनो सॉफ्टवेयर जो है वो फ्री अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो सॉफ्टवेयर पे आके मैं कोड ऑनलाइन नहीं करना चाहता हूँ, मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि हमारे पास देखो सभी का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, कि हमें विंडो इंस्टॉलर चाहिए, विंडो 7 है एंड अप है, विंडो जिप मुझे चाहिए। ठीक है, या विंडो एप्स के भी माध्यम से इसे कर सकते हैं, या iOS, मैक्स, लिनक्स वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ें। हम क्या करेंगे, इसमें आर्डिनो को इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आर्डिनो इंस्टॉलर पे इसको क्लिक करने के बाद आपका फाइल ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जब डाउनलोड होने के बाद मैं ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा हूँ तो मैं अभी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट आपको ये देखना है कि आप इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है फिर अपने माई फाइल में, माई कंप्यूटर में जाने के बाद आप सी प्रोग्राम फाइल पे। ठीक है, प्रोग्राम फाइल पे क्लिक करने के बाद आप आर्डिनो में जाएंगे। यहाँ पे आपको आर्डिनो दिख रहा है, उसके बाद देखो ये मेरे में दिख रहा है अनइंस्टॉल। ठीक है, अनइंस्टॉल मतलब कि मेरे में ये पहले से डाउनलोड है, मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा, यानी मुझे फिर से इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। आप जब खोलोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है, आप अगर आप में जो आपकी जो डिस्प्ले पे शो होगा वो शो क्या होगा, इंस्टॉल। तो आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो आपका ये बेसिक जो आपका आर्डिनो का सॉफ्टवेयर है वो क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें आपको ये समझाते हैं कि लाइब्रेरी को कैसे ऐड करते हैं। लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए वापस से हमें गूगल पे जाना है। जैसे कि मान लो अगर मुझे लाइब्रेरी ऐड करना है, जैसे कि अगर मुझे इसे प्रोटीएस से काम करना है, ठीक है, अगर मुझे प्रोटीएस पे काम करना है, मतलब ISIS का जो प्रोटीएस सॉफ्टवेयर है उसको मुझे काम करना है, उसके लिए एक बेसिक फाइल होता है हेक्सा फाइल। ठीक है, हेक्सा लाइब्रेरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधी सर्च करेंगे हेक्सा लाइब्रेरी फॉर आर्डिनो। ठीक है, आर्डिनो इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपको सबसे पहला जो ऑफिशियल और ओरिजिनल है वो है गिथहब का। ठीक है, आपको गिथहब पे जाना है, क्लिक करना है। जैसे देखो यहाँ पे आ गया ना ARS Rediver हेक्स आर्डिनो लाइब्रेरी। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, आप यहाँ से जाओगे, आपको क्या यहाँ पे क्लिक करना है, आपको देखो यहाँ पे गिथहब का ये फाइल खुलेगा। आपको लॉगिन वगिन कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, क्लोन और डाउनलोड पे क्लिक। ठीक है, आप क्लोन और डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपको जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या हो जाएगा, ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मैं डाउनलोड कर रखा हूँ इसलिए मैं करके नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपसे भी इसी तरह से होगा। ठीक है, डाउनलोड जिप फाइल पे जब आप डाउनलोड करोगे तो फिर से आपको कहाँ जाना है, अपने आपको जाना है कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जाने के बाद आपको क्या करना है, लोकल डिस्क सी पे क्लिक करना है और फिर आपको यूज़र में जाना है। यूज़र में जाने के बाद आप जाएंगे विंडो में। विंडो में जाने के बाद आपको करना है डाउनलोड पे क्लिक करना है। अब जब आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, तो आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको वो फाइल दिखेगा लाइब्रेरी का। ठीक है, यहाँ पे आपको फाइल वो दिखेगा लाइब्रेरी का। यहाँ से आपको क्या करना है, मान लो जैसे कि अगर देखो ये मेरा अड्डा फ्रूट है। ठीक है, अड्डा फ्रूट फिंगरप्रिंट सेंसर लाइब्रेरी है, तो इसे मैं क्या करूँगा, क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके मैं कट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, कट पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा यहाँ से फिर वापस से सी में। सी में जाने के बाद प्रोग्राम फाइल, प्रोग्राम फाइल में जाने के बाद आर्डिनो, और आर्डिनो में जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वापस से क्या करना है, आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप पेस्ट कर दोगे तो आपका ये वापस से इस फाइल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैंने सब इसमें सारे ऐड करके रखा है, GSM कीबोर्ड, लिक्विड क्रिस्टल माउस के लिए। ठीक है, इन सारे को मैंने ऐड कर रखा है। तो देखो मैंने है ना HEX मास्टर मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपको सीधा सीधी जो आर्डिनो में आप प्रोग्रामिंग करोगे, उस प्रोग्रामिंग को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ISIS के सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल कर सकते हो। आप ISIS के सॉफ्टवेयर में जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये बेसिक है हमारा आर्डिनो को इंस्टॉल करना और फाइल को ऐड करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखेंगे दूसरी। ठीक है, तो जब देखो अब आप अगर आर्डिनो को ओपन करते हो, ठीक है, तो आर्डिनो को जब आप ओपन करते हो तो इस तरह से आप प्रोग्राम लिखते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि प्रोग्राम लिखने के बाद आपको फाइल पर जाना है, प्रेफरेंस जो होता है प्रेफरेंस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंपाइलेशन और अपलोड दोनों पे आपको टिक करना है। टिक करके
ओके कर देना है, ठीक है। बस इतना आपको करना है, और आपने ऑलरेडी लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। ऐड लाइब्रेरी हमें यहाँ से आपको दिख जाएगा स्केच, ठीक है। देखो आपको ऐड लाइब्रेरी जो आपने किया है वो आपको यहाँ दिखेगा, स्केच में गए है ना, ऐड फाइल, स्केच में जाने के बाद ऐड फाइल। तो आपको ऐड कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आपने ऑलरेडी लाइब्रेरी में जाके ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको सिंपल सा अगर मैं वेरीफाई करता हूँ, ठीक है, कुछ टाइम लेता है बेसिक ये वेरीफाई करने में कंपाइलेशन में। अब देखो जब ये कंपाइल डन हो जाएगा उसके बाद आपको एक हेक्सा फाइल मिलेगा, ठीक है, एक हेक्सा फाइल मिलेगा। कंपाइलेशन मेरा डन हो गया, ठीक है, कंपाइलिंग हो चुका है। अब देखो इसे अगर मैं ओपन करता हूँ, यहाँ देखता हूँ, आपको यहाँ पे देखना है क्या है, आपको एक हेक्सा, देखो इतने सारे आपको लोकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से आपको क्या निकालना है, .hex, ठीक है, .hex आपको फाइल चाहिए। तो आपको कहाँ से मिलेगा ये देखो, आप जनरली आपको याद रखना है कि सबसे नीचे यहाँ मिलता है, ठीक है। आपको ये चीज़ को जेन्युइन आपको याद रखना पड़ेगा। देखो आपको दिख गया होगा ये हमारा है .hex फाइल, ठीक है। देखो ठीक है, मैं थोड़ा और इधर कर लेता हूँ, यहाँ से आपको ये है ना आपको दिखा, देखो ये आपको .hex फाइल है। इसको आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, कंट्रोल सी से आपको कॉपी करना है, और उसके बाद आपको जाकर के प्रोटीएस में जब आप यूज़ करोगे उसमें आपको अपडेट करना है, ठीक है। बस इस लिंक को ऐड करना है वहाँ पे, बेसिक ये .hex फाइल का काम है जब आप प्रोटीएस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो, ठीक है। तो बेसिक ये आपका आर्डिनो का कॉन्सेप्ट है कि कैसे फाइल ऐड करते हैं और प्रोटीएस पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल, थैंक यू।